बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या कनाबदो या कनस्ताइन। अल्लाह अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। सियालकोट सियालकोट अशरीफ, जितने बड़े बुजदिल तुम हो उतनी तुम्हारी पार्टी है। हमने एक दफा सियालकोट हमने एक दफा नहीं कोशिश की इनके जलसे रोकने की या इनकी लॉन्ग मार्च रोकने की। हर तीन महीने के बाद ये गवर्नमेंट गिराने आते थे। एक घंटा लगा यहां पहुंचने के लिए क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं, काफले आ रहे हैं सिर्फ जो पहुंच नहीं सकते क्योंकि इन्होंने एक साजिश के तहत। अच्छा सियालकोट सियालकोट इन्होंने कोशिश की आपको रोकने के लिए। नवाज शरीफ तुम और थ्री स्टूडेंट सुन लो, कौम आज तरीके पाकिस्तान के बाद दूसरी आजादी की तहरीक के लिए, अपनी हकीकी आजादी के लिए कौम बाहर निकल रही है और इसको ना तुम रोक सकते हो कीदड़ नवाज लंदन में बैठ के, ना ये तुम्हारा बूट पॉलिश करने वाला मुजरिम भाई रोक सकता है, ना उसका करप्ट बेटा रोक सकता है, और ना वो 18 कत्ल करने वाला इंटीरियर मिनिस्टर रोक सकता है। इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आज गौर से सुन लो, हम हमेशा, मेरी जमात ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। मैं आज, अब सियालकोट के लोगों जरा गौर से मेरी बात सुनना, आराम से पहले बात सुनना मेरी, बड़ी अहम बात करने लगा हूं, खामोशी से सुने। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। सुन ले जरा, ये साजिश का मुझे पहले पता था और मुझे चंद दिन पहले मुझे पूरा इल्म हो चुका है। तो पहले जरा गौर से सुने मैं क्या किया। मैंने, नौजवानों, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दी है कि अगर मुझे कुछ होगा ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी। और इस वीडियो में मैंने पिछली गर्मियों से जो ये मेरे खिलाफ साजिश हुई, जो जो मैंने एक एक का नाम लिया इस वीडियो में। देखे, फिर से सुन लें और चुप करके सुने, मैं आपके सामने अहम बात कर रहा हूं। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और साजिश यह है कि उन्होंने समझा है कि ये इमरान खान हमारे रास्ते में रुकावट है और इसको हटाना चाहिए, मुझे मारने की साजिश है। और इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है क्योंकि मैं तो इसको जहाद समझता हूं, मैं तो सियासत नहीं समझता।
मैं तो अपने अल्लाह के लिए लड़ा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ होगा तो मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को चाहता हूं कि आपको पता चले कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस था, कौन इस साजिश का किरदार था, और मेरे मुल्क में बैठ के किस किस ने साजिश की। इनमें सबके मैंने नाम लिए, बस बस, इनमें सारों के मैंने नाम लिए जिन्होंने ये प्लानिंग की, और एक एक का नाम दिल पे लिखा हुआ है कि इन्होंने कैसे पूरी प्लानिंग करके एक बैरूनी मुल्क साजिश जिसमें ये सारा इस मुल्क का करप्ट टोला उसके साथ मिलके, और कौन कौन मजीद लोग इनके साथ थे, इन्होंने जो मेरी गवर्नमेंट कराई है और जो आगे ये करने जा रहे हैं। मैं ये इसलिए, मेरे पाकिस्तानियों, मैंने ये इसलिए, इस मुल्क की तारीख है कि कभी ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाता, कभी ताकतवर का इत्तेसाब नहीं होता, हमेशा ताकतवर बच जाता है और किसी और के नाम पे जो भी कत्ल होते लगता है। मैं इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, करवा के रखी हुई है, महफूज रखी हुई है। मैंने सिर्फ इस चाहता हूं कि इस बारी इस मुल्क का इंसाफ का निजाम, इस मुल्क की तारीख है, कभी इन्होंने नहीं किसी को पकड़ा जो ताकतवर मुजरिम हो, सिर्फ कमजोरों को पकड़ा जाता है। इसलिए ये लियाकत अली खान के जमाने से लेके अब तक कोई ताकतवर मुजरिम नहीं पकड़ा गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कौम के सामने सब के कौन कौन इस मुल्क से गद्दारी कर रहा था, किस किस ने गद्दारी की। और मैं दूसरी बात करता हूं, और मैं फिर अपने इंसाफ के निजाम को आपके सामने रखता हूं कि मैंने 3.5 साल में पूरी कोशिश की, को लूट रहे थे, इनको सजाए हो, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन जो जो इस मुल्क के ताकतवर ओहदों पे बैठे थे जिन्होंने इंसाफ करना था, वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, वो ताकतवर की करप्शन को वो बुरा नहीं समझते। लोग चोरी करेंगे और कोई पकड़ेगा नहीं। सियालकोट के लोगों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन तब ये कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर छोटा चोर जेल में जाता है और बड़े डाकू को आप नहीं पकड़ते। ये है हमारा तबाही का रास्ता। मैंने जो आपको इस्लामाबाद में बुलाया एक वजह से कि अगर आप नहीं निकलेंगे, अगर ये डाक के तहत आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आप इनके खिलाफ आप नहीं निकलेंगे मेरे पाकिस्तानियों, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया था कि जब आप ताकतवर मुजरिमों को, डाकुओं को नहीं पकड़ते और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ते हैं, वो मुल्क बचता नहीं है। ये ममालिक के जो ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकते उनके मुतल्लिक कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। हमारे सामने तबाही है। अगर हम सब एक कौम बन के हमने इनके खिलाफ जहाद ना की, मेरे पाकिस्तानियों, आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो दुनिया में अमीर तरीन मुल्क है, उधर सबसे बड़ी चीज क्या है कि ताकतवर कानून के नीचे, कानून की हुक्मरानी जिसको कहते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में
सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। जब तक एक माशरा खुशहाल नहीं हो सकता, जब तक आप ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ते। ये है हमारी जिहाद। आपने जब मैं 20 के बाद कॉल दूंगा, आपने सब इस्लामाबाद पहुंचना है। आपने ना फिक्र करनी है कि गर्मी है। पाकिस्तान आजाद हुआ था तो यहां सियालकोट अपने जरा बड़ों से पूछो कि क्या महाजर जो बाहर से हिंदुस्तान से आए थे उनकी कभी कहानियां सुनी है? बड़ों से सुने। मैं जब लाहौर में बड़ा हो रहा था, जो भी वहां से आए थे, पंजाब से, ईस्ट पंजाब से, जो कत्लेआम औरतों की, बच्चों की, लाखों लोग कुर्बान हुए थे। सुना मेरी बात, ये जो मुल्क से हुआ है, अब जरा गौर से सुनो। और मैं आज अपनी अदलिया से पूछ रहा हूं, अपने सियालकोट और पाकिस्तानी कौम के सामने मैं अपनी अदलिया से फिर कहता हूं, बड़ी आजजी से सवाल पूछता हूं। बड़ा अच्छा किया आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया इतवार को। आपको कोई बहुत ही खतरा होगा इमरान खान से कि 12 बजे अदालतें भी खोल दी। चले ठीक है, बहुत खतरनाक हूं मैं, बहुत ही बड़ा। मैं कोई मुल्क से गद्दारी करने जा रहा था कि रात के 12 बजे अदालतें खोल दी। तो मैं आजजी से अपनी अदलिया से पूछता हूं और बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि शहबाज शरीफ, इसका बेटा हमजा शरीफ और शहबाज, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर एफआईए के केसेस हैं। सुने जरा सियालकोट, 24 अरब रुपए के केसेस हैं। प्राइम मिनिस्टर पे, चीफ मिनिस्टर पे, और जो भाई भगोड़ा हो चुका है, 24 अरब रुपए का मतलब कि 2400 करोड़ रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। अब मैं ये सवाल पूछता हूं कि मुझे दुनिया में एक मुल्क बता दो कि एफआईए इन्वेस्टिगेट करके आपके ऊपर ये केसेस बनाती है कि आप उसी एफआईए के ऊपर बैठ के और सबसे पहले सारे वो लोग जिन्होंने केसेस बनाए उनको फारिग करते हैं और फिर एक, और मैं सलाम करता हूं डॉक्टर रिजवान आपको कि एक जबरदस्त एफआईए का ऑफिसर जिसने तितलेर आदमी था, जिसने शरीफ माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके मकसूद चपड़ासी के बैंक अकाउंट में और नौकरों के बैंक अकाउंट में 16 अरब रुपए पकड़े, और फिर क्या हुआ, डॉक्टर रिजवान के ऊपर दबाव डाला गया, उसको धमकियां दी, और वो डॉक्टर रिजवान शदीद दबाव में था और उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया। कल क्या हुआ, जो दूसरा ऑफिसर ये शहबाज शरीफ का एफआईए का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसका नाम, उसको कल हार्ट अटैक हो गया। सियालकोट, उसको भी हार्ट अटैक हो गया कल। मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये कैसे है कि माफिया का जो इन्वेस्टिगेट करता है उनके ऊपर किस तरह का दबाव है, किधर है मेरी अदालतें की हिफाजत करना, कौन आगे से इस मुल्क के कौन से सरकारी नौकर, कौन सी एफआईए,
कौन सी एपीआर, कौन से पुलिस ऑफिसर कभी भी आपके सामने खड़े होंगे? इस मुल्क के अदारे कैसे ताकतवर मुजरमों के सामने खड़े होंगे? पहले ही डरते थे और आप जब फिर साजिश के तहत इन मुजरमों को ऊपर मुलव्वज़ कर दिया, तो आप मुझे सवाल पूछता हूं अपनी अदलिया से, कौन इस मुल्क के इदारों की हिफाजत करेगा? मैं बड़ी आजी से अपनी अदालतों से पूछता हूं कि ये आपके सामने मुल्क की तबाही हो रही है। जब इदारे खत्म होते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। और मैं फिर ये अगला सवाल पूछता हूं कि ये जो हमारे जेलों में छोटे चोर भरे हुए हैं, उनका क्या ये कसूर है कि वो छोटे चोर हैं? क्या सबक ये मिल रहा है कि मुल्क पे डाका, नहीं तो जेल में चले जाओगे? मैं आज, अगर आपने इनको नहीं पकड़ना, तो मैं आज फिर से कहता हूं कि पाकिस्तान के जेल खोल दें, ये गरीबों को बाहर निकालें जो बेरोजगारी में चोरी करते हैं, घर में बच्चे भूखे हैं, उनको बाहर निकाल दें। इन सारों की, इन गरीब हो रही है, वो एक मकसूद चपड़ासी के जो 4 अरब आए थे बैंक में, उससे कम है। ये जुल्म का निजाम है। इसके मुतालिक हजरत अली ने कहा था, फिर से मैं बताता हूं कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन ना इंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। आखिर में सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूं। हमने जब पाकिस्तान में, सुनो नौजवानों, आखिरी 2 बातें, जो हमें मुल्क मिला था 2018 में और जो करके निकाला गया, तो याद रखें, एक वो मुल्क जिसका दिवालिया हुआ था, उस मुल्क के अंदर पाकिस्तान का झंडा पकड़ा दो। अच्छा, सियालकोट, अब सुने, जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो अब जो अब आदाद और शुमार आए हैं, 4 के बाद सबसे ज्यादा सनती पैदावार हमारे दौर में हुई। शाबाश, शाबाश। ये जो जुनून है, माँ के नाम दे के जलसों पे ला के ये नहीं खरीदा जा सकता। और यही जुनून इंशाल्लाह इस्लामाबाद के अंदर वो इनकलाब लेके आएगा जो हमें हकीकी तौर पे आजाद करेगा। तो ये पता चला, अब जो आदाद और शुमार आए मार्च के, सबसे ज्यादा 2004 के बाद पाकिस्तान की सनती पैदावार 10.6, 29% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, ये भी रिकॉर्ड। 4 फसलों के अंदर रिकॉर्ड हुआ, मकई में, चावल में, गन्ने में और आलू में हुआ। सबसे ज्यादा पैसा हमारे किसानों के पास गया, देहातों में खुशहाली आई, सारे बड़े सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में, हिंदुस्तान से भी ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अब आदाद और शुमार आए हैं, थ्रेट है वो तकरीबन 6%, जो रिकॉर्ड है। तो कहने का मकसद यह है कि जब इन्होंने साजिश करके हुकूमत कराई थी, तब पाकिस्तान एक तरक्की के रास्ते पर निकल चुका था। जब से ये आए हैं चोर,
रुपया तकरीबन बानवे पे पहुंच गया, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है। महंगाई का हाल यह है कि आज वो किधर है, वो किधर है, वो मीडिया हाउस किधर है जो जाके अब्बास जो भी हो गिरना पड़ना खुदा का वास्ता है। बस बस माशाल्लाह माशाल्लाह, इस्लामाबाद में सियालकोट की पूरी तैयारी है इस्लामाबाद के लिए। अच्छा तो अब ये मुल्क का दिवालिया निकाल रहे हैं, रुपया गिर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज नीचे जा रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? अमेरिका के पास जाएंगे और अमेरिका से भीख मांगेंगे कि हमें पैसे दो, हमें बचाओ। बिलावल, बिलावल जा रहा है अमेरिका। बिलावल ये याद रखना, उनकी एजेंसीज को तुम्हारे बैंक अकाउंट में किधर किधर पैसे हैं, क्योंकि वो सूसकिंड की किताब में वो लिखता है, वे ऑफ द वर्ल्ड की किताब में लिखता है कि उन्होंने अमेरिका की एजेंसीज ने टेप किया कि बिलावल की वालदा उसको बता रही थी कि बिलावल के किधर किधर बैंकों में इनकी चोरी का पैसा पड़ा हुआ है। आंखों में आंखें देख के बात नहीं करोगे, क्योंकि उनको पता है नवाज शरीफ की तरह कि तुमने पैसा किधर छुपाया हुआ है। तो पाकिस्तानियों, मैं आखिर में आप सबको इस्लामाबाद आने की सिर्फ एक वजह से आप सबको दावत देता हूं कि जो भी रुपने इसको तहरीके पाकिस्तान की तरह एक अपनी आजादी की जंग समझनी है, मेरे लिए ये जहाद है और ये आपके लिए भी जहाद है। अपनी जहाद के अंदर अपने खौफ की जंजीरें तोड़ दें। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो फिर डर किस चीज का, डर किस चीज का? आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने वो आदमी खड़ा है जिसको कुरान में अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है, कोई खौफ नहीं है। आप तैयारी करें और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। उमर और उस्मान डार, जिस तरह आज आपने ये डाकुओं का मुकाबला किया, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। तुम्हारी माशाल्लाह अच्छी ट्रेनिंग है, धरने में मैंने आपकी ट्रेनिंग करवाई है, हम ट्रेंड हैं, हम तैयार हैं और इंशाल्लाह उस्मान डार आप जब नौजवानों को लेके इस्लामाबाद निकलेंगे तो याद रखें कि किसी किस्म की रुकावट से नहीं घबराना, क्योंकि आप पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैदाबाद।